हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नाज व्लॉग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। तो आज है माह रमजान का आखिरी दिन, मतलब दुख भी हो रहा है और खुशी भी है कि कल ईद। और फ्रेंड्स, बाहर जिन कंट्रीज में आज ईद है उन सबको दिल से ईद मुबारक, और कल यहाँ पे भी ईद है। तो आज है इंडिया में चांद रात, तो जो भी होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। पूरी कोशिश करूंगी आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिखाने का। और अभी तो फिलहाल बाहर चल रही है कल की तैयारियां, और जो हमने रूम में चेंज किया है मैं पहले वो आपको वो दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, वो कलर करा था हमने सामने वाली वॉल पर, और ये लगाया था हमने वॉल पेपर। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और इधर भी लगाया था। और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हमने सारे ड्राई फ्रूट्स कट करके रख दिए हैं, क्योंकि कल तो इतनी जल्दी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुबह में मम्मी शीर बनाकर रख देती हैं हमारे उठने से पहले ही। और तो इसलिए हमने सारे ड्राई फ्रूट्स काट कर और हमने फ्रिज में रख दिए, और मम्मी ने कल रात ही उनको भिगो दिया था जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए और काटने में आसानी। और यहाँ पे हो रही है कल की तैयारियाँ। क्या बन रहा है यहाँ पे विभा? चिकन कौरमा। चिकन नी, चिकन का कौरमा बन रहा है। अच्छा, चिकन कौरमा अभी मतलब बनाना स्टार्ट किया है। और ये उसकी प्याज कटी हुई रखी है, और ये बनेंगे कबाब, मटन के कबाब। ये भी बनाकर रखोगी? फ्रेंड्स, मगरिब की नमाज हो गई है और आज है चांद रात। सबको चांद रात मुबारक। और अब हम चलते हैं जल्दी से अम्मी के पास, अम्मी को मुबारकबाद देने के लिए। अम्मी किचन में काम कर रही है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, चांद रात मुबारक। आप लोगों भी सबको चांद मुबारक। अम्मी सबको भी बोलो, सबको, सारे सब परिवार वालों को। हाँ, अल्लाह सबको लाए अगले साल, और फिलिस्तीन वालों के लिए भी सब लोग दुआ करना। चांद रात मुबारक आपको। यहाँ पे अम्मी कर रही है दूध गरम, और क्योंकि ये कल की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि इतनी सुबह में हम लोग दूध ला नहीं सकते थे बाहर से। एक और वजह है क्योंकि यहाँ पे जल्दी सारी दुकानों पे सारा दूध खत्म हो जाता है, तो इसलिए हमें पहले से ऑलरेडी ला के रखना पड़ता है। फ्रेंड्स, हम लोग आए छत पे चांद देखने के लिए। चांद दिखते थे वालेकुम अस्सलाम, सबको चांद रात मुबारक करो। ईद तो कल है। हाँ, आमीन, ईद मुबारक। सबको बोलो, सबको, सभी लोगों को, और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी बहन के, उन लोगों को भी। तो ऐसे प्यार अपना दिखाते रहे और आगे बढ़ाते रहे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। नहीं पता उसको कुछ अभी, उसको अभी मुझे नहीं पता। हंस के दिखा रहा है वो। फाइनल आ चुके हैं अशरफ भाई के कपड़े, कुर्ता पजामा सिलकर, मतलब लास्ट मोमेंट पे आए अशरफ भाई के कपड़े। कल ईद है, आज चांद रात थे, और भाई अनवर भाई के आ गए थे, बस अशरफ भाई रह गए थे हमारे। तो सब चेक कर लिए, सब ठीक है, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास में फिटिंग, बहुत बढ़िया फिटिंग है इसके। अब कल पहन कर दिखाना है इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, इतना काम करके हमने रख लिया था कल के लिए, और अभी मुझे ये नहीं पता कि मेरे हाथों में मेहंदी लग पाएगी या नहीं, क्योंकि हर साल मेरे हाथ ऐसे सूने रह जाते हैं, और मुझे मेहंदी जितनी पसंद है उतनी मेरे मेहंदी नहीं लग पाती। फिलहाल मेरे पास कोई भी नहीं है मेहंदी लगाने के लिए, और बाहर मैं जा नहीं सकती क्योंकि इस टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी और भी काम है, छोटे छोटे काम इतने निकल आते हैं ना लास्ट टाइम पे, और रोजे से हिम्मत नहीं होती कि हम बाहर चले जाएं। और अभी मुझे किसी काम से बाहर जाना है, वो क्या लेने जाऊंगी मैं ये तो आपको पता ही चल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे बाहर भाई के साथ, और भाई हो रहे थे मेरे साथ बोर क्योंकि उन्हें और भी कहीं जाना था, और वो लेकिन इतने अच्छे हैं कि वो मेरे साथ कहीं भी जाने के लिए मना नहीं करते। अच्छा, तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से लेने के लिए आई थी हेयर स्ट्रेटनर, क्योंकि मुझे इसकी बार बार जरूरत पड़ती रहती है, और इनकी शॉप पर ऑल प्रोडक्ट्स थे। मुझे अच्छा लगा इस शॉप पर आकर, क्योंकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। और इयर रिंग्स लेके, ज्वेलरी आप कुछ भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बड़ी कन्फ्यूज हो रही थी कि मैं कौन सी लूँ, क्योंकि मुझे इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो मैंने फिर फाइनली आइकॉनिक की ले ली। आप लोग बताना कि आइकॉनिक अच्छी है या फ्लिप्स अच्छी है। वैसे मैं फ्लिप्स के लिए लेने गई थी फिर। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ की जो ऑनर हैं उनकी आदत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, मतलब अच्छा लगा उनसे बात कर मिलकर भी उनसे अच्छा लगा। तो मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ तो लिया नहीं, क्योंकि बस मुझे प्रेसिंग ही लेनी थी, तो मैंने वही ली। और ये सब तो मेरे पास था, फिर भी मैंने स्विस ब्यूटी का ब्लेंडर देखा और देख कर बस रख ही दिया। अच्छा, जो मेरा ईद का आउटफिट है उसके मेरे इयररिंग्स नहीं आए थे, और मेरी चूड़ियाँ भी नहीं आई थी, तो मैंने सोचा चलो वो भी ले लेते हैं यहाँ से। लेकिन मैंने बहुत सारे बॉक्सेस देखे, अभी आप देखना, लेकिन मुझे इनमें कुछ भी समझ नहीं आया।
अच्छा फ्रेंड, जैसा हम लोग सोच कर रखते हैं ना, ऐसा कुछ हो नहीं पाता। जैसे हम आगे के लिए सोचते हैं कि हम ईद पर ये करेंगे, ये पहनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता। जिस तरीके के इयररिंग्स मुझे चाहिए थे वो मुझे नहीं मिले, तो मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, फिर हम आ गए थे घर। अच्छा फ्रेंड्स, मैं सीधा घर नहीं आई थी, मैं अभी एक और मार्केट गई थी, वहां से मुझे फ्लावर पॉट लेना था, ये आपको दिखेगा नेक्स्ट वीक। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मार्केट से और मैं वहां से क्या लाई हूँ ये मैं इंशाल्लाह आपको सुबह दिखाऊंगी। और अभी बज रहे हैं, कितने हो रहे हैं, अभी 12 बजने वाले हैं। और अभी मैं मम्मी के मेहंदी लगाने के लिए जा रही हूँ, मुझे ज्यादा अच्छी तो आती। अब करते हैं मेहंदी लगाना स्टार्ट। गाइस, अभी हो रहे हैं रात के 12:30 और अम्मी के मैंने लगा दी है मेहंदी। मुझे आती नहीं है बहुत अच्छी, लेकिन ये कि अम्मी के हाथ में मेहंदी लग चुकी है। अम्मी दिखाना, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। अब इसका कलर हम देखेंगे सुबह कैसा आया है। और अभी भी और बहुत सारे काम है, अभी फेस पे भी कुछ नहीं किया जैसे हर साल मैं करती हूँ। अभी देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो करेंगे, और अगर टाइम मिलेगा तो अपने हाथ पे भी मेहंदी लगाएंगे। अम्मी मेरी लाइट रह गई लगाने के लिए, अब कौन लगाएगा इसे। मेरा कितना मन था कि मैं यहाँ पर लगाऊंगी, चलो मैं ही कोशिश करके देखती हूँ अगर ये लग जाती है तो। फ्रेंड्स, फाइनली मैंने ये लाइटिंग लगा दी, अभी मैं आपको और अच्छे से दिखाऊंगी, क्योंकि भाई अभी आए नहीं थे और अभी बज रहे हैं रात के 1। और मतलब खुद से ना थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए और खुद से सारे काम आने चाहिए। फ्रेंड्स, अंदर रूम में चलते हैं, देखते हैं भाई भाभी क्या क्या कर रहे हैं, चलते हैं। ओफो, ईद की पूरी तैयारियां चल रही है यहाँ पर। देखो मैं लड़ रहा हूँ, अपनी बहू का फेस रगड़ रहा हूँ। भाई फेशियल कर रहे हैं भाभी के। और अभी देखो कितना बज रहा है, 1:15 हो रहा है टाइम, और मुझे नहीं लगता पूरी रात को ही सोने वाला है आज। मैंने काम कराया इसका नाइट का। अच्छा, ये झूठ की बोल रहे हो आप। सलून में काम कर रखा है मैंने। गाइस देखो, ये आ गया हमारा गुलाब रख, ये मारेंगे आप लो हाथ पे। देखो हमारी बेगम सुबह को चम गई जैसे ईद का चांद। और हमारे साथ साथ अरियान भी देखो कैसे उठा हुआ है, इसको भी नींद नहीं आती। फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ और टाइम हो रहा है 2 बजने वाले हैं। और अभी मैंने मुंह धोया है क्योंकि मैं बाहर मार्केट गई थी, और वहाँ से आने के बाद फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने चेहरे पर कुछ लगा रहे हैं तो उससे पहले भी फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है। और तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जो मैं करूँगी वो मैं आपको दिखा दूँगी। फ्रेंड्स, अभी मैंने अपने फेस की स्क्रबिंग की है और मैं ये वाला पिलो फर्स्ट टाइम लगाने जा रही हूँ, देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा है। फ्रेंड्स, मैंने ये पूरे फेस पर लगा लिया, मुझे अपना चेहरा ना बहुत ही अजीब सा लग रहा है और फनी भी लग रहा है, क्योंकि मैं ना हमेशा ऑरेंज वाला पिलो लगाती आई हूँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। सबसे बड़ी बात, जो मेरे फोन पर जो फेस लॉक लगा हुआ है वो खुला ही नहीं, मतलब मेरा चेहरा कैसा लग रहा होगा मुझे पता चल गया। तो इसका सूखने का वेट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये पिलोफ इतना ज़्यादा हार्ड था ना, मतलब मैं आज के बाद इस वाले पिलोफ को बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाली हूँ। और मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि ये वाला पिलोफ ना बिल्कुल भी यूज़ मत करना, मतलब हटाने से भी नहीं हट रहा था। और जो ऑरेंज वाला है वो बेस्ट है। और अभी देखो मेहंदी देखते हैं, अगर टाइम मिलता है अब तो लगाऊंगी, वरना मैं सो जाऊंगी, क्योंकि नींद थोड़ी लेनी भी ज़रूरी है। और इंशाल्लाह अब आपसे मिलते हैं ईद वाले ब्लॉग में। और अपना ख्याल रखिए और सबको ईद मुबारक। और बस फ्लिपसिन के लिए ज़रूर दुआ करिएगा और हम सबके लिए भी दुआ करिए। सब लोगों ने आज जो जो किया आप लोगों के साथ शेयर किया है, और जितना हो सका मैंने आप लोगों को दिखाया। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।